Hey, mister! Hey, mister! Hey, hey! Hey, गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! अरे तुम्हारा टायर पंचर हो गया है! गाड़ी रोको! से गोल्ड पेन दे आ रहे हो? अच्छा? हाँ। शेट, ये तुम्हारे सौतेले पापा है ना? हाँ। अरे मुझे दो यार। देखो सुनो, तुम्हें मुझे लिफ्ट देनी ही होगी। मैं उस पीली बस में नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम तो उन लोगों के साथ हो ना, तो फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? क्या सॉरी भाई। और ये सब कुछ थर्सडे को स्टार्ट हुआ। फ्रेंच में इसे ड्यूटी कहते हैं। अगर फ्राइडे को होता तो और मजा आता, क्योंकि मैं फ्रेंच क्लास से निकल कर थोड़ा घूम पाती, मेरी माँ के काम खत्म करके वापस आने तक। सबके पास कोई ना कोई बकवास बहाने थे कि ग्लेन की कार खराब हो गई थी और मैरियन का झगड़ा हो गया था अपने सौतेले पापा के साथ। सिर्फ बहाने, और ये सब कुछ एक ही बात पर आकर रुकता है कि बस में सफर करना बहुत खराब होता है। मैरियन, तुम डांस क्लास के लिए जा रही हो तो अभी के अभी बस से नीचे उतरो। जाओ यहाँ से। ये बात अपनाने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि ग्लेन किटलैंड कॉलेज की टीम का प्रेसिडेंट और फुटबॉल टीम का कैप्टन मेरे बाजू में आकर बैठा। इस बात ने मुझे थोड़ा उत्साहित कर दिया। मुझे पता है कभी कभी थोड़ा कूल या पागलपन करना तो अच्छा होता है। कोई बैठा यहाँ? नहीं, बहुत गर्मी है ना? हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही। मेरे भाई के साथ उसकी कार में शॉपिंग करने जाने वाला हूँ। लगता है ब्लू स्प्रिंग्स जाने वाले हैं। वाओ, क्या तुम लोग ब्रिज से कूदने वाले हो? हाँ, मतलब मेरा भाई ऐसा करता है, उसे पसंद है ये सब करना। क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? नहीं नहीं। मैं कभी मिलाऊंगा तुम्हें उसे, घूमेंगे कहीं। मैं जैस हूँ, जैस मैक्रॉमिक। मैं यहाँ नई हूँ, मेरे पापा मिनानक्री में रहते हैं और इसीलिए मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ। मैं स्नॉर्कलिंग जाता हूँ वहाँ पर, और वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, एक साफ सुथरा, और वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कभी समय मिला तो। हाँ जरूर, क्यों नहीं, जब भी तुम कहो। डेक्स्टर बार्टन हमेशा आखिर में आता था बस में। उसको स्कूल में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा लेट हो जाता था। हाइजीन की वजह से वो सबके नहाने का इंतजार करता था, बस इसलिए वो हमेशा लेट हो जाता था। डेक्स्टर को हर वक्त सब लोग बहुत इग्नोर करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये बहुत घमंडी है। वो न्यूयॉर्क से था। Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I
I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. दूर रहो पागल, ये हमारा रेगुलर बस ड्राइवर नहीं है। हाँ, इसके तो बाल हैं। ए, हमारा स्टॉप पीछे रह गया है। I'm sorry बेटा, मैं इस रूट पर नया हूँ। ठीक है। तुम लोगों को पीछे चलकर जाना होगा। आपके पास लिस्ट नहीं है क्या? हमारे रेगुलर ड्राइवर नए ड्राइवर को हमेशा लिस्ट देते हैं। इस बार उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वो अचानक से बीमार पड़ गया। अरे यार, नहीं यार, नहीं, 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 क्या नहीं, नहीं। कैसी बस है यार, क्या ड्राइवर है। तुम में से कोई बच्चा आगे क्यों नहीं बैठ जाता और मुझे बता दे के कहाँ रुकना है। मैं आता हूँ। कम ऑन। मैं वैसे अलकवा गार्डन्स पर रहता हूँ, वो आखिरी स्टॉप है। दैट्स गुड, मतलब तुम आखिर तक रहोगे मेरे साथ। मुझे लगता है इस बंदे को बस चलाना नहीं आता है। तुम्हारा भाई बहुत ही क्यूट है। हाँ सही कह रही हो, तुम सही कहती हो, छोटे भाई के हिसाब से। तुम लकी हो, मेरा भाई तो बहुत ही बदतमीज है। सही कह रही हो क्या, तुम्हारा भाई बदतमीज है? अच्छा, पता नहीं, शायद डिवोर्स की वजह से ऐसा हो गया है। वैसे भी पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद बहुत सी चीजें खराब हो गई हैं। हाँ, तुम लाइफ को जैसे जियोगी, जब तक पॉजिटिव सोचोगी पॉजिटिव ही होगा। दैट्स कूल। हाँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था। सच में? रुकिए रुकिए, यहाँ पर एक स्टॉप है। बाय, बाद में मिलते हैं। थैंक्स यार। इतने ही हैं क्या? ये सारे कॉलेज के बच्चे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा स्टॉप पीछे रह गया है। ए सुनो, रुको, बस रुको। ए बैठ नीचे। ए लड़कियों, तुम लोग आगे आ जाओ, आगे आके बैठो, चलो जल्दी जल्दी आके बैठो। तुम यहाँ बैठो जल्दी, तुम इधर आओ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपना मुंह बंद रख और चुपचाप बैठ, चल गाड़ी निकाल जल्दी। मुझे ऐसे मत देखो, सीधा बैठ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? अपना मुंह बंद नहीं रखा तो सीधा ऊपर जाओगी, चुपचाप बैठी रहो। ठीक है, तुम लोगों को वो स्टेशन दिख रहा है सामने? सब लोग उतर कर लाइन में खड़े हो जाओ, पहले लड़कियां खड़ी होंगी। अब चलो। सुन लो अच्छी तरह, मैं कहीं नहीं आने वाला। चलो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, चलो चलो, चलते हैं। चल बे जोकर। सीधे चलो, सीधे चलो, चलो जान, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ 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 हाँ, कार में बैठो। ठीक है ठीक है, मेरे पास लिस्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? एल्वायरा? मैं एल्वायरा नहीं हूँ। ओके, तो तुम्हारा नाम क्या है? मैरियन, मैरियन पेजेट।
इस लिस्ट में कोई पेजेट नहीं है, कोई पेजेट बस में नहीं है, ना ही कॉलेज में। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी माँ का डिवोर्स हुआ था, ठीक है, और अभी फ्री डॉनविन है, और मेरा असली नाम पेजेट है, समझ गए? ठीक है, तुम क्या ये किडनैपिंग है? अपना नाम बताओ। जेसी मैकॉर्मिक। ठीक है, ठीक है। ब्रूस कर्टलैंड। ब्रूस कर्टलैंड, ठीक है। और तुम? ग्लेन कर्टलैंड। नहीं, इसमें सिर्फ एक ही कर्टलैंड है। इसकी कार खराब हो गई। मैंने कहा अपना मुंह बंद कर। हाँ, मेरी कार खराब हो गई थी। तू भी अपना मुंह बंद रख। नेक्स्ट। डेक्सटर बार्टन। इसमें कोई बार्टन नहीं है। तुम्हें इलाकों में कोई बार्टन नहीं मिलेगा। मैं अपने अंकल मार्क मोहिनी के साथ रहता हूँ, और मैंने ये नहीं कहा कि वो अमीर है। माहो ने ये जॉन मिलर कहाँ है? जॉन मिलर? हाँ, जॉन मिलर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही है क्योंकि उसका घर खाली है, समझ गए? अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम क्या करने वाले हैं? मैं तुम्हें सुबह कॉल करूंगा इन सब के बारे में। और लड़को, तुम लड़को उधर जाओ, जाओ जाओ उधर जाओ। और लड़कियों, तुम अंदर बैठो, जाओ अपना सर संभालना बच्चे। चलो रीटा, चलते हैं। जेडी, वो बस ड्राइवर बुड्ढे को क्या तुमने? हमने पहले भी इस बारे में बात की है ना। ओके, मैंने तुम्हें कहा था ना बेबी, जॉन सारे काम कर लेता है। हाँ, क्या सारे कॉल उसने किए? वो सारे कॉल्स कर रहा है, वो हमारे कांटेक्ट में रहेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। ओके, ना मोबाइल ना ट्रेसिंग होगी। बहुत समय से वो डील्स हैंडल कर रहा है। ऐसा एक बंदा है जिसने सारी प्लानिंग की है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ये काम नहीं हुआ तो ये बंदा मारा जाएगा। और मेरा भरोसा करो, जॉन को पता है कि वो हमारे साथ चीटिंग नहीं करेगा। मुझे पता है। हमें बस की खबर को बड़ा बनाना होगा, और अपना हिस्सा लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे डार्लिंग। निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। ये पता है, फिलहाल तो कुछ खराब नहीं लग रहा। अमीर बच्चे हैं और अच्छे भी, इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये क्या बकवास है? मुझे नहीं पता। शिट, हमें ये हटाना होगा। चलो हटाते हैं। हे मिस्टर, क्या तुम अपना सामान रास्ते से हटाओगे? जेडी, जरा शांत हो जाओ। रीटा, मैं ये संभाल लूंगा। अबे कमीने, मैंने कहा तुम्हारा सामान रास्ते से हटाओ। मुझ पर हुकुम मत चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पीस पीस करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? मेरे साथ होशियारी मत करो, मैं एक सेकंड में तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। अरे वाह, यहाँ तो पार्टी चल रही है। अरे ये क्या हो गया, ये गाड़ी रुक कैसे गई? जल्दी चलो, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी चलाओ यहाँ, जल्दी जल्दी चलो। रीटा क्या कर रही हो, गाड़ी चलाओ। अरे क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जल्दी करो। ओह माय गॉड, अब तू फंस गया। हमारे पास गन है ना? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे यार, मैंने उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे गले से खून निकल रहा है, तुम ठीक हो ना बेबी? ये क्या हो गया? शिट, ये क्या चल रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे।
चलो बाहर आ जाओ सब लोग। जैसी फोन बज रहा है। जैसी हेलो मिसेस मैककॉर्मिक, एस्टेल मैककॉर्मिक। हाँ बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के लिए कॉल कर रहा हूँ। जैसी के लिए? उसके बारे में क्या? कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो ऊपर होगी अपने कमरे में। Are you sure? क्या तुम स्कूल के बाद उससे मिली हो? जैसी 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 कहाँ है? $250,000 क्या क्या चल रहा है? ये कीमत है अपनी सौतेली बेटी को दोबारा देखने की। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो तुम्हें वो टुकड़ों में मिलेगी। फ्रेड, हम क्या बाहर जा रहे हैं? क्या आपने कहा था कि हम मूवी देखने जाएंगे? मैरियन का कॉल था। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट रुको रैंडी, मैं अभी आई। हेलो स्टीव, मैं फ्रेड डोनोवन बोल रहा हूँ। ग्लेन वहाँ है क्या? मुझे बात करनी है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं, उसने कहा था कि मैं अपनी कार पेंट कराने जा रहा हूँ। वो मरियन के साथ बस में गया था स्कूल से, उसके बाजू में बैठा था और अभी तक घर नहीं आई मरियन। तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे चिंता हो रही थी, अगर उनके बारे में कुछ पता चले तो बताना। हाँ क्या मजाक है, इन्होंने हमें पैसों के लिए पकड़ रखा है। मेरे अंकल तो खुश होंगे मेरे बिना। हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पापा मिलिट्री में हैं और हमने घर गवर्नमेंट लोन पर लिया है। लोगों को पैसे मिल सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। मेरे पापा ने बताया था मुझे, वो ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। मेरे पेरेंट्स पुलिस को कॉल करके इन्हें पकड़ा देंगे। उनके पास लेजर साइट्स है भाई, ये कितना आसान है। हमारे भी पेरेंट्स सबकी तरह पैसे देने वाले हैं। हम यहां से कैसे भी निकलने वाले हैं बस। लेकिन कब? हे, तुम्हें पता है फ्लोरिडा पुलिस हमें सब जगह ढूंढ रही होगी। तुम बहुत होशियार लड़की हो ना? हाँ, तुम अपनी दोस्त की तरह रो क्यों नहीं रही हो? तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? वेल, देखो तुम मुझे इतने अच्छे तरीके से पूछ रही हो, शायद मैं तुम लोगों को बांध कर उस कोने में डाल दूंगा ताकि तुम पर नजर रखने की जरूरत ना पड़े। या मैं तुम्हें बाहर पत्रे के शेड में डाल दूंगा। जब धूप से वो तप जाएगा तब तुम्हारा दिमाग भी तपने लगेगा।
तो मेरी डॉल, तुम्हारे सारे तार मेरे हाथ में हैं। अगर मैं यहां से तुम्हें जाने के लिए छोड़ भी दूं, तो तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम पानी पे चल सकते हो तो शायद जा पाओगे। यहां से सबसे नजदीक शहर 40 किलोमीटर दूर है। और तुम लोगों को पता है, यहां बाहर दुनिया के सबसे भूखे मगरमच्छ हैं। उनका खाने का तरीका भी अलग है। वो पास की आवाज बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं, स्पेशली आदमी के चलने की आवाज। और वहां पर सांप भी है। अगर तुम मेरे साथ एक रात के लिए सो जाओ तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। अगर उन सांपों ने तुम्हें काट लिया तो तुम वहीं मर जाओगे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो मैं तुम्हें ढूंढ के बचा लूंगा। तुम्हारे साथ यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम हमें जाने तो दोगे ना? मेरा मतलब छोड़ दोगे ना? नहीं, हम तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। तुम्हें पता है, मैं सोच रहा हूं, तुम्हें पता है यहां पे बहुत अच्छे जीन्स हैं। इस बारे में तुम क्या कहती हो अलवीरा? लड़कियों के साथ खेलना बंद करो जेडी। अब तुम्हें क्या हो गया? इस ब्राउन आंखों वाली लड़की से तुम्हें जलन हो रही है? हाँ? मुझे किसी से जलन नहीं है। अच्छा? हाँ। लेकिन ये बहुत क्यूट है, तुम समझ रही हो ना? और मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे इसका फिगर बहुत अच्छा लगा। रुक जाओ, ए लड़के को कुछ मत करना। ए पीछे हट, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा बच्चे, किसी भी वक्त। जेडी तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे। चुप हो जाओ। जेडी लड़कियों के साथ कुछ करना हमारा प्लान नहीं था। चलो। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है बच्चे, और इसी वजह से अभी तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर के शेड में बात करोगे पूरी रात। चलो चलते हैं। लड़कियां बेडरूम में क्यों नहीं सो सकती? तुम पागल हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम तीनों यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो मुझे किसी को शूट करना पड़ेगा। निकल जाओ, चलो। इसे मेरे लिए बचा के रखना मेरी डॉल। तुम रीटा के साथ रहोगी। बैठो आराम से। दो तीन, ठीक है। अब यहां से राइट लो, राइट लो। मस्ती नहीं, चलो चलो। अरे चलो, चलते रहो चलते रहो। हाँ चलते रहो, चलो सीधे चलो। अब अंदर आओ, चलो। मैंने कहा अंदर जाओ। चलो तुम भी अंदर जाओ, चलो। अभी के लिए लेडीज को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। खिड़कियों का अच्छा इस्तेमाल किया है, अगर पर्दे होते तो ये घर जैसा होता। चुप हो जाओ बाटन, मैं तुम्हारी बकवास सुनकर तंग आ गया हूं। बकवास? तुम्हारी वजह से हम लोग यहां फंसे हैं। तुम लकी हो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं अभी तक। तुम्हें फाइट करनी है? हम फाइट कर सकते हैं, क्यों ना बिना हाथों के फाइट करें। चलो ग्लेन। चलो दोस्तों बस करो। कम ऑन ग्लेन, रुक जाओ। बेवकूफ कहीं का ग्लेन, तुम्हें क्या लगता है वो हमें कितने समय तक रखने वाला है, या फिर हमें मार देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सुसाइड है। ओह फॉर गॉड्स सेक, क्या हुआ? ये गॉडफ्रे बस लेकर भाग गया है, और वो चाहते हैं कि हम ये बात यकीन कर लें। पता नहीं ये बात सच है या झूठ, ये लोग पागल हैं क्या? ये सब पागलपन है। तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। नहीं,
मैं नहीं लेट सकती, जैक का कॉल आने के बाद देखते हैं। अगर उसने कॉल किया तो? वो जरूर कॉल करेगा, उसे हमें पैसे देने होंगे, मैरियन उसकी बेटी है। वो मुझे कभी ये बात भूलने नहीं देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इतना अच्छा था तो वो चला क्यों गया तुम्हें छोड़कर। एटलीस्ट उसने हमारा ध्यान तो रखा। फ्रेड रुको रुको, प्लीज प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी दूर हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ओ गॉड, मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम पूरे पैसे ले आए? मुझे अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ा। अगर वो कमीना मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे देखो, हमारे पास पैसा है, हम उन्हें पैसा देकर उन्हें वापस लाएंगे। सब ठीक है? ग्लेन अपने भाई का ख्याल रखेगा। क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? नहीं, नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं पागल हो रही हूं। हमें लगा था कि ये जगह सेफ है, इसलिए हम यहाँ पे रहने आए थे। क्या तुम पैसा दे पाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे? मेरे पति सिटी के बाहर गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो बेच सकती हूँ, और इसमें कई दिन लग जाएंगे, और फिर भी मैं $2,50,000 जमा नहीं कर पाऊंगी। शायद हम मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करोगे? क्यों? अगर हम सब उसे पैसा नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, हम सब ये सब साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है? ओके। तुम मेरे शेड के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, हमें बस थोड़ा पानी चाहिए। इस तरह से तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। रीटा, हाँ, थोड़ा पानी लेकर आओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बीवी की रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें लाकर देगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उसकी इज्जत नहीं की। जेडी, ये मेरी बीवी है, समझे क्या? क्या तुमने जॉन से बात की? और हमें? और तुम्हारे बारे में क्या, अमीर सड़े हुए बच्चों, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलता ही है ना? हाँ, तुम ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो? तुम्हें ये मजाक लग रहा है कमीने? नहीं, मैं अमीर नहीं हूं, ठीक है? सर, हमने बस थोड़ा सा पानी मांगा है। ओ सर, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो बच्चे। नहीं नहीं, मैं बस 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 बस, क्या क्या चाहिए? हमें थोड़ा सा पानी दोगे? ये लो। ये रहा तुम्हारा पानी। अगर तुम्हें पानी चाहिए जाओ जाकर ले लो बच्चे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है एक तरीका है, मुझे लगता है एक तरीका है। ऐसा मत करो। तरीका रहता ही है। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी चाहिए ना? ओ सुना तुमने? हाँ, वो लोग खेल खेलने आ गए हैं, अभी तुम्हें पानी मिलने वाला है। जेडी नहीं, चलो। नहीं जेडी, चलो पानी लेने। जेडी चलो। नो, अभी नहीं, तुम्हें नहीं, पानी जेडी, ऐसा मत करो। छोड़ दो उन्हें। मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तुम देखोगे ये शो कौन चला रहा है। ए चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, चलो। जेडी नहीं, चल चल, पानी पिलाता हूँ तुझे, चल। ये लोग बुद्धू अमीर लड़के, चलो पानी में, चलो पानी में जाओ, चलो चलो पानी में जाओ। जेडी नहीं, पकड़ो उसे। कर उठा लो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
ये तुम क्या कर रही हो? पता तुम्हें ये क्या पागल है? ये पागल मेरे पति हैं, अमीर घर के पागल। बेबी मुझे तुम पर गर्व है, अब मैं इसे संभाल लूंगा। छोड़ो, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर इन लड़कों के लिए पानी लेकर आओ। चलो जाओ, इनके लिए पानी लेकर आओ और लड़कियों के लिए भी लाओ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लड़के हमेशा लड़के होते हैं। अब तुम लोग आगे बढ़ो और दोबारा ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मुझे इस तरह मत देखो। कमीने, क्या चल रहा है? क्या तुमने हमारे पेरेंट्स से बात की? सबके साथ बात कर ली, एक को छोड़कर। हम पैसों के आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम हमें तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक सारे पैसे नहीं दे देते? बिल्कुल सही कहा। अपने हाथ का ख्याल रखना और यहां से भागने की कोशिश मत करना। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना, तू भी रखना। शेट, मेरे अंकल कभी कभी घर पे नहीं रहते, उन्हें पता भी नहीं होगा मुझे किडनैप कर लिया है। और तुम्हारे मम्मी पापा? वो मर गए। हे, जेडी ने कहा हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। मुझे लगता है मेरे अंकल की वजह से अभी भी हम लोग यहीं हैं। जब जेडी उनसे कांटेक्ट कर लेगा तो वो हमें छोड़ देगा। जैसी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नहीं पता, शायद बात करने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम उसे सीक्रेट रख सकते हो? ये बहुत ही घटिया और दुखद है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कहूं। हाँ, मैं वादा करता हूं। मैं कल रात उस बंक में लेटी हुई थी, मैं सो नहीं पाई। मुझे लगा कि जेडी और रीटा थोड़े समय के लिए वहां से चले गए हैं। मैंने ये सुना कि रीटा जेडी से पूछ रही है कि तुमने बस ड्राइवर के साथ क्या किया। तुम्हें पता है उसने क्या कहा डेक्स? उसने कहा उसे मार दिया, उन्होंने उसकी खोपड़ी खोल दी बेसबॉल के बैट से। और वो ये कहते हुए हंस रहा था। वो लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? देखो जैसी, ये बात हमें सबको बतानी होगी और हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, उन्होंने से मार दिया वही बैट से? ओ शिट, ये बहुत दुख की बात है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी उन्हें यहां ढूंढ सके। नहीं, हमें यहां से निकलना होगा, हमें कुछ करना होगा। अगर कोई है जो यहां से हमें बाहर निकल सकता है वो मेरा भाई है, उसके पास प्लान है। हमें जेडी के पास जो गन्स है उसे लेना होगा। सही कह रहे हो, हमें उस पर कूदना होगा। बहुत अच्छा, चलो उसको और गुस्सा दिला देते हैं, फिर हमारा मरना तो पक्का ही है। सच में
जब वो सोया होगा हम तभी जाएंगे। अगर हम लोग जेडी से चाबी मांगे? नहीं, हम चुराएंगे और कार की चाबी भी। चिंता मत करो, मैंने ये पहले भी किया है, लेकिन इस जगह से बाहर जाने के लिए कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि लड़कियों को पता होगा कि चाबी कहाँ रखता है वो। उन्हें हम ध्यान रखने के लिए कहेंगे। रुको, हम लड़कियों को हमारे साथ नहीं ले जा सकते। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्योंकि लड़की हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगी। हम शहर जाकर पुलिस को भेजेंगे उन्हें लेने के लिए, और यही एक रास्ता है हमारे पास, समझे? सिर्फ एक नामर्द इंसान ही ऐसा सोच सकता है। अगर तुम अपने छोटे भाई को लेकर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब तुम्हें एथलीट से प्रॉब्लम है? शायद हो सकती है, तो क्या? तुम्हें पता है स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, तुम्हारे ऐसे फालतू के कामों से बढ़िया है। तुम सच में एक नामर्द हो। क्योंकि मैं स्टूडेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ है? या फिर फुटबॉल का कैप्टन हूँ? तुम कोई फुटबॉल कैप्टन नहीं हो, बस एक सड़े हुए बेवकूफ हो। इसे जलन कहते हैं, पता है? जलन होना आम बात है, तुम्हें पता होगा। सारे सड़े हुए पॉपुलर लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें धरती पर जीने का हक नहीं है। सच बात तो है, तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम्हें एक दिन जमीन पर जरूर पोछा मारना पड़ेगा, समझे? तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है ग्लेन, मैं अभी समझ पा रहा हूँ। तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड भी होगा, और तुम रास्ते पे ज़रूर आ जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें देखकर हंसूंगा, चाहे कितने भी पैसे कमा लो, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। अगर तुम अपनी बकवास स्कॉलरशिप के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे तो चुप हो जाओ। जो भी है, तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है, क्या करना है सोच लो। तुम सिर्फ एक मतलबी इंसान हो, तुम जैसे लोगों को देख के मुझे घिन आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर का बोझ हल्का कर रहे हैं। बहुत हुआ तुम्हारा अभी। एल्वीरा, एल्वीरा, जाकर जनरेटर में थोड़ा डीजल डाल दो। मेरा नाम एल्वीरा नहीं है। चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा मुर्गे की तरह। बहुत खूबसूरत हो तुम, मुझे यकीन है तुम अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत होगी। प्लीज मुझे कुछ, चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैंने कहा खड़ी हो जाओ। मैं जो कह रहा हूं वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुम्हारा छाती दिखाओ, अपना शर्ट उतारो। प्लीज, मैंने कहा उतारो। अब भी? हाँ, उतारो उतारो। हाँ, अब अपनी ब्रा उतारो, उतारो अभी। मैंने कहा अपनी ब्रा उतारो। वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा। हाँ, जल्दी करो। रुको, कमीने। तुम बहुत स्वीट हो, कुछ नहीं हुआ जान, सब कुछ ठीक है स्वीटहार्ट।
तुम बहुत सेक्सी और स्वीट हो। मैंने तुम्हें बचाया ना, हाँ? रीटा, नहीं नहीं रीटा, हाँ नहीं रीटा, प्लीज नहीं, गन नीचे नीचे, गन नीचे करो रीटा, गन नीचे करो बेबी। हराम के पिल्ले, मैंने कहा गन नीचे करो। तुम जब ऐसा करते हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेबी ये क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर तो है? तुम्हें पता है तुम्हारी इस जलन और हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हाँ? देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस बात की जलन हो रही है, शायद मुझे तुम्हें वहीं छोड़ना चाहिए था जहां मैंने तुम्हें ढूंढा था। शायद ये सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे यही करना चाहिए, जहां से मैं तुम्हें लाया था मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। तुम यही चाहती हो ना, मैं ये कर सकता हूं। बेबी ये मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। और ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा, बस इतना ही, इतना ही। देखो बेबी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और माफ कर दिया, अब हम सब ठीक कर सकते हैं। और तुम जानती हो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी जीने का, फैंसी कार्स, अपना बड़ा घर, और हम डिज्नी पर भी जा सकते हैं। तुम्हें तुम्हें यही सब चाहिए था ना बेबी, ये सारी चीजें हमारी हो सकती हैं, लेकिन हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ कर दो इस छोटी सी गलती जो मुझसे हो गई है। ओ प्लीज बेबी प्लीज, ओ डार्लिंग, शुक्रिया डार्लिंग, लव यू स्वीट हार्ट, लव यू। तो चलो यहां से चलते हैं। आह बेबी तुम मेरी रानी हो, मेरी रानी। दोबारा ऐसा मत करना। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। हे सर्जन, हे सर्जन, यहाँ आओ। देखो ये कुत्ते ने ढूंढा है। हमारा काम हो गया है, बॉडी को लेकर जाओ। विडिस का ये कहना है कि ये बस नहीं चला रहा था, ये दूसरा टायर लगाने के लिए उतरा था शायद, और ये बहुत अच्छी तरह तैयार होकर आया था यहाँ पर। इसके बाल ग्रे थे और आंखें ब्लू। मैं हर बच्चे से बात करना चाहता हूं जो इस बस में था। जल्दी करो। यस। ओह शिट, वो आ रहा है। वो तो बूट लेकर जा रहा है। मिस्टर कर्टलैंड। हाँ। मैं डिटेक्टिव वैन बम्बल हूँ और ये ऑफिसर मैथ्यूज है। क्या ब्रूस कर्टलैंड आपका बेटा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? खैर, आपके बेटे के स्कूल बस ड्राइवर की कल रात को लाश मिली, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर? ओह माय गॉड। अगर आपको एतराज नहीं है तो क्या मैं ब्रूस से कुछ सवाल कर सकता हूँ? माफ करना, यहाँ पर ब्रूस नहीं है, वो और उसका भाई छुट्टी मनाने गए हैं। वो लोग संडे तक वापस आ जाएंगे, शायद संडे शाम को। कोई तरीका है जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं,
अगर आपकी उनसे कुछ बात हुई तो प्लीज इस नंबर पर कॉल करना। शुक्रिया। तुम्हें पुलिस को सच बता देना चाहिए था। मेरा ये कहना है जेनेट, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हम पूरा पैसा देंगे। लेकिन डॉनविन के पास पैसे नहीं है। देखो, उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने पापा को कॉल किया था, वो एक रुपया भी नहीं देने वाले। हे भगवान, क्या हो गया उसे? उसे समझाया नहीं उन्होंने। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो उन्हें लॉयर से मिलना होगा, ऐसा उन्होंने कहा और फोन कट कर दिया। हाँ, मेरे पास पैसे हैं। कर्टलैंड और मैककॉमिक ने अपना हिस्सा भी मुझे दे दिया है। मरियन का क्या हुआ? और एक फैमिली है, मोनी। मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मरियन का क्या हुआ? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आपको पता है मेरे साथ वो नहीं है मिस्टर डोनोवन। अब मेरी बात सुनो, हमें और $2,50,000 चाहिए मोनी के भतीजे के लिए। मैं ये नहीं दे सकता। जो वादा किया था मेरे पास वही पैसे हैं बस। यही तो प्रॉब्लम है, हमें पूरे पैसे चाहिए एक साथ। $2,50,000। क्या तुम इसका इंतजाम कर सकते हो? ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। फायरफील्ड से 2 घंटे आगे एक गांव है दक्षिण की तरफ, और तुम वहां पर अकेले आना और पैसे लेकर आना, पूरे पैसे। ठीक है? वहां मरियन होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, समझे? वहां पर एक छोटा सा चर्च है, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। मैं तुम्हें वहां मैरिना के साथ मिलूंगा। मैं तुम्हें कल सुबह 10 बजे फोन करूंगा। मिस्टर डोनोवन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तुम्हें अकेले आना होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई आया या किसी ने तुमको फॉलो किया तो तुम उसको दोबारा नहीं देख पाओगे। बेवकूफ कहीं का। तुम उससे मिलने वाले हो और तुम्हारे पास पैसे तक नहीं है, तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ नहीं, नैंसी, तुम रैंडी के साथ रहना। अगर तुम आई तो बात और बिगड़ सकती है, इसलिए तुम यही रहना। लेकिन वो लोग तुम्हें मार देंगे। और मैरियन चर्च में? लेकिन मुझे नहीं लगता, संडे का दिन है, वहां बहुत सारे लोग होंगे। होशियार रहना। देखो, हमें पता नहीं है कि रीटा के पास हथियार है या नहीं, और जेडी कभी भी आ सकता है। तुम सिर्फ नजर रखना, मैं चाबी ढूंढती हूं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ पैसों के लिए? बिल्कुल, पैसों के लिए और क्या हो सकता है। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। मैंने उसके लिए काम किया है, मैंने पूरी जिंदगी काम किया है। मैंने बाथरूम साफ किया है जहाँ पर लोग आकर मूंदते थे जब मैं 10 साल की थी। और तुम्हारे पापा, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं उन्हें नहीं जानती। मेरी माँ गुजर गई जब मैं 13 साल की थी। क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई? ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने, लेकिन मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकती हूँ। मुझे हमेशा पढ़ना पसंद था, जैसे मैगजीन, क्रॉसवर्ड, पजल्स, सारी चीज़ें। मैं 1 साल पहले जेडी से मिली, उसका पहला दिन था फॉरेस्ट स्टेट में। फॉरेस्ट स्टेट जेल? ओह। उसको 9 साल की सजा थी किसी ड्रग्स चार्ज में, उसे फंसाया गया था। तो मैंने जेडी को पटा लिया। हमने पूरी रात एक साथ गुजारी और अगले दिन हमारी शादी हो गई। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, जेडी जैसा इंसान मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम हिलना बंद करोगी? सॉरी। तुम मुझे नर्वस कर रही हो। वो मैं पहले कभी किडनैप नहीं हुई ना, बहुत मजा आ रहा है। मैंने सबसे पहले ब्रेड चुराया था और अभी ये, लेकिन ये जेडी के लिए नहीं है। क्या? तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं। लेकिन हो। मैं समझने की कोशिश कर सकती हूँ। वेल, अगर एक औरत जेडी के प्लान और उसके तरीके के हिसाब से
नहीं चली तो वो उसे छोड़ देता है। मेरा सब कुछ वही है बच्ची, तुम समझ रही हो? हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। हमारे भी सपने हैं तो अच्छा होगा कि तुम एक दूसरे को भूल जाओ। ऐसा नहीं है, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, निकल जाओ यहां से कमीनी। मिशन कंप्लीट। तो अब क्या हम जेडी के वापस आने का इंतजार करें? हाँ, बाहर बहुत शांति है। क्या लड़के ठीक है? हाँ। क्या हो गया? ये बस एक छोटा सा सांप है। अब मर गया। सुनो, वो नशे में है बहुत। तुम कहां गए थे? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मुझे पता था कि वो बात को बिगाड़ देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, वो डेक्स्टर के अंकल महुनी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया, और अभी डोनोवैन को लेकर भी शंका है। वो एल्विरा के पेरेंट्स हैं। पहले उसने गारंटी दी कि वो अपने बीवी के एक्स हस्बैंड से पैसा लेकर देगा, और अभी जॉन ने मुझे बताया कि उसके एक्स हस्बैंड ने हाथ ऊपर कर लिया है। उसने कहा जो करना है कर लो, क्या तुम इस बात पर भरोसा कर सकती हो? और अभी डोनोवैन ने जॉन को कहा कि उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। ये तो अच्छी बात है ना? मुझे नहीं लगता कि उसने पैसों का बंदोबस्त किया होगा। उसने जॉन को कुछ भी झूठ बोला होगा और समय बढ़ाने के लिए, लेकिन समय लेकर वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बहुत बड़ी गड़बड़। अगर हमें कम पैसों में मामला सुलझाना है तो ठीक है ना? क्या तुम पागल हो गई हो? हमें जो भी पैसे मिलेंगे वो हमें तीन हिस्सों में बांटना होगा, तीन हिस्सों में। शायद डॉनवन ने जो कहा है वो उस पर अमल करे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा होगा अगर उसने ऐसा किया तो, नहीं तो वो अपनी बच्ची को नहीं देख पाएगा। मैरियन,
मैरियन? हाँ, यहाँ सब शांत हो गया है, अब आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। देखो तुम लोग वापस अंदर जाओ, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के बाद हम ब्रूस को तुम्हें लेने के लिए भेजेंगे, ठीक है? ये रखो। चलो ठीक है। हे, कुछ उल्टा सीधा मत करना। यहाँ लाइट मारो, चलो जल्दी करो। ओ, अरे यार संभल कर, ध्यान से चलो, जल्दी करो। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? कब से बाहर हैं? हाँ, अगर वो लोग ये नहीं कर पाए तो? ये क्या है? क्या? ओ शिट, कोई बाहर है, वही है। अगर उसके होते हुए ब्रूस यहाँ आया तो क्या करेंगे हम? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी से बोर्ड को घुमाओ, जल्दी करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम दोनों यहाँ छुपकर क्या कर रही हो? हम यहाँ घूमने नहीं आए, हमें थोड़ा पानी चाहिए था। मजाक मत करो, तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? ब्रूस, भागो 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 भागो, जल्दी भागो भागो डेक्स्टर, भागो ब्रूस, भागो, कम ऑन, जल्दी जाओ, भागो। डेक्स्टर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो हमारे पीछे था। देखो दोस्तों, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, शायद मरे हुए। क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? तुम्हारे पति ने डेक्स्टर को शूट किया। क्या? मुझे लगता है उसने उसे मार दिया। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी नहीं, तुम वहां? अरे यार, देखो बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जल्दी करो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। शिट, हाँ
चलो 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 मेरे साथ चलो। डेक्स्टर, डेक्स्टर, डेक्स्टर। हे भगवान, डेक्स, डेक्स। मत। बस हम निकलने वाले थे। जल्दी निकलते हैं। हाँ जल्दी बैठ जाओ। नहीं नहीं, लेकिन डेक्स्टर। ब्रूस, ब्रूस डेक्स्टर नहीं आ रहा है। क्यों? हाँ उसे गोली लगी है। हाँ ओ शेट, हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा और मदद लानी होगी। ब्रूस चलो बोट में बैठो। डॉक्टर हमें अंदर जाना होगा, क्या तुम चल सकते हो? चलो उठो आराम से। हाँ कोशिश करो। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बचकर निकल लोगे? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। शेड से बाहर आए हो ना, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ हैरी हुडिनी। प्लीज हमें अंदर जाना होगा। अंदर नहीं, तुम्हें बाहर जाना था ना। अब तुम बाहर हो और तुम यहीं रहोगे। खून बहने से ये मर जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। क्या तुमने शूट किया? उसे पूछ क्या लो, तुमने उसे शूट पता किया? है उसे पता है। ये तुमने क्या किया? जेडी तुमने वादा किया था कि जॉन गलत काम नहीं करेगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रही हो ना। रुक जाओ जेडी, ऐसा मत करो। शिट, शिट, ये तुम क्या कर रहे हो? जेडी रुक जाओ। मैरियन, मैरियन मेरी मदद करो। तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ कमीनी। हट कमीनी। मैरियन चलो खड़े होने मेरी की कोशिश करो। आराम से। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जेडी ने कहा ये दोनों बाहर रहेंगे। रास्ते से हट जा कमीनी। जेडी जब आएगा तो गुस्सा हो जाएगा। हट जा, मेरे से ऐसी बात मत करो। चलो चलो। आराम से, आराम से। संभल कर, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मुझे उल्टी आ रही है। मैरियन जाओ, जाकर टावल लाओ, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम ठीक हो ना? जेडी किधर है? वो चला गया है। डेक्सर तुम्हें अपना शर्ट उतारना होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? मुझे तुम्हारे हाथ पर बैंडेज करना है। ठीक हूं, ठीक हूं। नहीं तुम शॉक में हो डेक्सर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं मैं कर सकता हूं। सुनो बस अपनी बाईं तरफ मुड़ो। Shit. मैं आराम से करूंगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है।
देखा, तुम लकी हो, तुम्हें मेरे साथ बीच में नहीं आना पड़ेगा। कहां चले गए कमीने? ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। रुको, अरे नहीं नहीं, चलो चलो चलो। रुको, ओ शिट, रुक जा कमीने। नहीं, ठीक है, देखना बंद करो। दो दिन में शो शुरू होने वाला है, लगता है मैं पागल हूं। कुछ तो बोलो। ये किस लिए था? पता नहीं, बस मेरा दिल किया। क्या तुम्हारी अजीब वाली आदत है, एनर्जी के साथ किस करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी किसी को पहले ऐसे किस नहीं किया। मैं ये नहीं देखूंगी तो चलेगा ना? हाँ, मैं अकेले संभाल लूंगी। ठीक है। ब्रूस, ब्रूस तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। शिट, हे भगवान, ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे लगा उसने सचमुच तुम्हें मार दिया है। रुको, तुम्हें क्या लगता है, मर गया? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता है बस यहाँ से निकलना है हमें। शायद वो जिंदा हो सकता है, किसे फर्क पड़ता है ब्रूस, चलो बस। अगर वो जिंदा हो तो, मेरा मतलब है वो मरा नहीं होगा तो, क्या तुम इस बात से जी पाओगे कि अभी तक जिंदा है? हाँ हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी चलो। तुम्हारा कार एक्सीडेंट, तुमने जैसे कहा था वैसे ही हुआ था? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है तुम्हारा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था और तुम ये बात पापा को नहीं बताना चाहते थे, है ना? ब्रूस, तुम क्या कहना चाह रहे हो, है? जो मिलर के भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसे मारने वाला ड्राइवर वहां से भाग गया था, हिट एंड रन केस। अब मुझे सच बताओ, क्या वो तुम थे? देखो देखो देखो, मैं लेट हो रहा था और मैं थका हुआ था और अचानक से एक स्कूटर बीच में आ गया था और ये उसकी गलती थी बस। लेकिन तुम रुके नहीं। ब्रूस, मैं कुछ नहीं कर सकता था बस। उस समय सारे घर के लाइट चालू हो गए थे और एक औरत आ रही थी वहां पर, तुम जानते हो इस बात को, और अगर मैं वहां पर रुकता भी तो क्या कर लेता तुम बताओ? पापा को पता चल जाता और वो मेरा लाइसेंस ले लेते। मुझे कार की जरूरत है भाई, तुम मेरी छोटी सी बात का पहाड़ बना रहे हो। छोटी बात? ब्रूस, तुम जाते हो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर तुम सबको बताओगे तो भी मैं इस बात को नकार दूंगा और मुझे या... तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था ब्रूस, तुम्हें याद है? तुमने मेरी आंखों में देखा था, तुम्हें वो मंडे नाइट याद है क्या? क्या
क्या तुम अपने वादे पर खड़े रह सकते हो ब्रूस? हाँ। मुझे पता था तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम अच्छा इंसान हो। तुम चले जाओ, बहुत दूर जाना है तुम्हें। तुम नहीं आ रहे? मैं नहीं आ रहा। तुम बहुत ही जिद्दी लड़के हो, मुझे हेडलाइंस भी दिख रही है अभी तक। लोकल स्पोर्ट्स हीरो ने बचाव किया, शायद ग्लैन भी इस फेमस हो सकता है। हाँ, तुम पक्का होगे फेमस। Ah!
वेलकम। मरियन कहाँ है? क्या तुम पैसे लाए हो? पूरे पैसे? पूरा लाया हूँ, मेरे कार की डिक्की में है, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तुम भी चलोगे। रुको, ठीक है चलो। हमें बहुत दूर जाना है, तुम वहां से दाएं वाले रास्ते पर मुड़ो। वहां रोड नहीं है। अरे ये तो कटलैंड का लड़का है ना? गाड़ी रुको, वहीं रुको, आराम से कार में बैठो। आप यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें बचाने आया हूं। मरियन कहां है? वो कॉटेज में है। तुम क्यों आए? चुपचाप कार में बैठो। ठीक है, बैठ। तुम झूठ बोल रहे हो, जेडी को कुछ नहीं हो सकता। तुम एक झूठे कमीने मक्कार हो। टेक्स्टर ठीक है ना? हाँ, मुझे लगता है शायद खून बहुत ज्यादा बह गया है, लेकिन जख्म उतना गहरा नहीं है। जेडी ही आ गया, मुझे पता था उसे कुछ नहीं हो सकता। जेडी, जेडी कहाँ है? मरियन तुम ठीक हो ना? इन्होंने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? जेडी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता होगा? और ये जोकर अकेला रास्ते में क्या कर रहा था? मैं लगभग निकल गया था, अगर फ्रेड फिरौती के पैसे नहीं लाता तो मैं निकल ही गया था। आप फिरौती के पैसे लाए लेकिन कैसे? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। तुमने देखा ना, तुम्हारी बेटी ठीक है। अभी मुझे चाबी दो। चाबी? तुम्हारे कार की चाबी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना चाबी दो मुझे। रुको रुको, मेरे पति को क्या हुआ? इसने कहा कि कार पानी में चली गई थी। मैंने कोई कार नहीं देखी। कार पानी में फंस गई थी और वो बाहर निकल नहीं पाया। क्या ये सच है? सच है? वो पागल मेरे भाई को कुचलना चाहता था और तभी उसकी कार पानी में गिर गई और जब तक हम उसे देख पाते बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ब्रूस ने कहा था कि जेडी मरा है कि नहीं, ये वो जानना चाहता था और मुझे हीरो बनाना था, इसीलिए मैं शहर की तरफ निकला। तो जो ब्रूस कह रहा है वो सच है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी चीज का फर्क पड़ता है तो वो है पैसा। फर्क नहीं पड़ता, इसका क्या मतलब है? तुम्हें सिर्फ पैसों की चिंता है। जेडी मर गया है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, मेरे पति को मार दिया तुमने। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तुम भी। जेडी, मेरे पापा ने मेरे लिए पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुम्हारे सौतेले पिता ने उसे कंगाल कर दिया था। क्या मतलब इस बात का?
मैं उसका बोकी था लड़की, उसको मुझे $1.5 लाख देना है। उस पर भरोसा मत करना मरियन, वो झूठ बोल रहा है। उसकी किसी ने मदद नहीं की, इसीलिए इसने ये किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा ताकि ये अपना कर्ज चुका सके। चुप हो जाओ जॉन। लेकिन तुम्हें उस बस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हें रोक नहीं पाया। अरे वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भरोसा मत करना बिल्कुल भी। अगर ऐसा है तो आप मुझे थर्सडे को स्कूल पर लेने क्यों आए? डांस क्लास के लिए ना? और देखो मरियन, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। आपकी वजह से ही लोग मर गए, हम भी मारे गए होते। मुझे पता था कि आप कितने घिनौने इंसान हो। चलो चलो इस तरफ आओ, अपना कान मुझे दो। मैरियन की जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई, शायद हम सबकी जिंदगी बदल गई। ग्लेन वहीं पर रुका जॉन, रीटा और फ्रेड पर ध्यान रखने के लिए जब तक पुलिस ना आ जाए। इन 4 दिनों में हमने हमारे अंदर की ताकत को जाना, जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। हम लोग वहां से बच पाए हमारी काबिलियत की वजह से। हम अपने आप को जो समझ रहे थे उसकी वजह से नहीं, और इस छोटे से सच ने हम लोगों को साथ कर दिया हमेशा के। Oh,
faceless wind.